तो जैसे कि तुम सबको पता है OB42 अपडेट गेम के अंदर आ चुका है और इसमें जो है सेंसिटिविटी सेटिंग के ऊपर काफी ज्यादा ही चेंजेस किया गया है। और उसके साथ साथ यहाँ पर तुम लोग भी इतना ज्यादा ही कमेंट कर रहे हो कि भाई आफ्टर अपडेट के ऊपर एक स्पेशल सेंसिटिविटी सेटिंग का वीडियो चाहिए ही चाहिए। तो देखो आज इस वीडियो के अंदर मैं तुम्हें आफ्टर अपडेट सेंसिटिविटी सेटिंग बताने वाला हूँ, जिसको यूज करके तुम किसी भी डिवाइस के अंदर काफी अच्छा खासा ऑटो हेडशॉट की तरह हेडशॉट एंड या पर रिकॉइल फ्री गेम प्ले कर सकते हो। अगर तुम्हारे डिवाइस के अंदर रिकॉइल का प्रॉब्लम भी काफी ज्यादा ही हो रहा है तो भी यहाँ पर तुम ये सेंसिटिविटी सेटिंग को यूज करके काफी अच्छा खासा ऑटो हेडशॉट की तरह हेडशॉट ले सकते हो। और ये जो सेंसिटिविटी सेटिंग मैं तुम्हें आज देने वाला हूँ ये हर एक डिवाइस के ऊपर काम करेगा, ऐसा नहीं कि कुछ डिवाइस में काम करेगा कुछ में नहीं करेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और ऊपर से ये सेंसिटिविटी सेटिंग जो है हर एक गान के ऊपर भी काम कर जाएगा, लगभग यहाँ पर तुम्हें सारे गान के ऊपर हेडशॉट देखने के लिए मिल जाएगा। तो अगर तुम भी एक आफ्टर अपडेट ऑटो हेडशॉट सेंसिटिविटी सेटिंग ढूंढ रहे थे तो ये वीडियो तुम्हारे लिए काफी ज्यादा ही हेल्पफुल होने वाला है। तो चलो यार फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट अगर तुमने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो भाई फटक से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके रखना मत भूलना। तो चलो अब फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सेंसिटिविटी सेटिंग के अंदर आने के बाद यहाँ पर जो सबसे पहला सेंसिटिविटी सेटिंग तुम्हें मिलता है वो है जनरल सेंसिटिविटी। बेसिकली जनरल सेंसिटिविटी का काम होता है तुम्हारा करेक्टर की मूवमेंट, यानी तुम्हारा जो ऑल ओवर डिस्प्ले है वो कितना ज्यादा मूवमेंट करेगा उसी के ऊपर काम करता है जनरल सेंसिटिविटी। और रेड डॉट सेंसिटिविटी जो काम करता है अगर तुम किसी भी गान में स्कोप को यूज नहीं करते हो उसी टाइम यहाँ पर रेड डॉट सेंसिटिविटी का काम होता है। और उसके अलावा यहाँ पर रिक्वेल के ऊपर भी काफी ज्यादा काम रहता है रेड डॉट सेंसिटिविटी सेटिंग। तो ये दो सेंसिटिविटी सेटिंग के बारे में मैं बाद में बात करूंगा, पहले बात करते हैं फ्री लुक के बारे में। देखो फ्री लुक बटन अगर तुम यूज करते हो तो तुम यहाँ पर फ्री लुक बटन का सेंसिटिविटी सेटिंग को 60 के आसपास सेट करके रख सकते हो। देखो फ्री लुक क्या करता है, फ्री लुक के लिए एक बटन मिलता है जिसका सेंसिटिविटी हिसाब से काम करता है यहाँ पर फ्री लुक सेंसिटिविटी सेटिंग्स। और उसके ठीक ऊपर में तुम्हें देखने के लिए मिल जाएगा स्नाइपर स्कोप सेंसिटिविटी सेटिंग। देखो स्नाइपर स्कोप का मतलब क्या है, जितने सारे स्नाइपर का गान है वो सारे सेंसिटिविटी सेटिंग मैनेज होता है यहाँ पर ये स्नाइपर स्कोप सेंसिटिविटी की तरफ से। मतलब यहाँ पर ये स्नाइपर स्कोप का सेंसिटिविटी अगर तुम ज्यादा रखते हो तो तुम यहाँ पर स्नाइपिंग तेजी से कर पाओगे, लेकिन उसके लिए प्रैक्टिस भी तुम्हें अच्छा खासा चाहिए। बट यहाँ पर मैं तुम्हें रिकमेंड करूंगा स्नाइपर स्कोप का सेंसिटिविटी को 75 पे सेट कर लो। और उसके ठीक ऊपर में तुम्हें देखने के लिए मिलता है 4x। देखो यहाँ पर इन स्कोप हेडशॉट लेने के लिए 4x और 2x जो सेंसिटिविटी सेटिंग है ये दो काफी ज्यादा मायने रखता है। बट अगर तुम यहाँ पर थोड़ा सा भी गलती करते हो यहाँ पर तो क्या होता है कि तुम्हारा यहाँ पर जो है एम कनेक्ट नहीं होता है। इन स्कोप हेडशॉट लेने के लिए तुम्हारा एम को जो है हेड पे कनेक्ट करना पड़ता है। अगर तुम यहाँ पर थोड़ा मोड़ा चेंजेस कर देते हो, मतलब सही से नहीं रखते हो, तो यहाँ पर तुम्हें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम देखने के लिए जरूर मिलेगा। तो यहाँ पर तुम्हें करना क्या है, 4x स्कोप का सेंसिटिविटी को तुम्हें यहाँ पर 100 पे सेट कर लेना है। 4x स्कोप का सेंसिटिविटी तुम्हें यहाँ पर 100 पे सेट करके रखना है। और यहाँ पर जो 2x स्कोप का सेंसिटिविटी सेटिंग देखने के लिए मिलता है इसको तुम 95 पे सेट करो। यहाँ पर 4x स्कोप का सेंसिटिविटी को 100 पे सेट कर लो और यहाँ पर 2x स्कोप का सेंसिटिविटी को 95 पे सेट कर लो, बस इतना ही। तो अभी फाइनली बात करते हैं रेड डॉट सेंसिटिविटी सेटिंग के बारे में। जैसे कि मैं तुम्हें पहले ही बताया रेड डॉट और जनरल ये दो सेंसिटिविटी जो है ऑटो हेडशॉट लेने के लिए काफी ज्यादा हेल्प करता है। तो तुम्हें यहाँ पर रेड डॉट सेंसिटिविटी को करना क्या है, 90 पे सेट करके रखना चाहिए। यहाँ पर तुम्हें रेड डॉट सेंसिटिविटी को यहाँ पर 90 पे सेट करके रख लेना है, क्योंकि यहाँ पर OB42 में जो है थोड़ा बहुत रिकॉइल का प्रॉब्लम मेरे को देखने के लिए मिल रहा था, इसीलिए तुम्हें यहाँ पर 90 पे सेट करना है रेड डॉट सेंसिटिविटी सेटिंग को। अभी बात करते हैं यहाँ पर जनरल सेंसिटिविटी सेटिंग के बारे में। देखो यहाँ पर हेडशॉट लेने के लिए जनरल सेंसिटिविटी जो है 100% काम में आता है। देखो अगर तुम यहाँ पर जनरल सेंसिटिविटी को 100 से थोड़ा बहुत भी कम रखते हो तो तुम यहाँ पर हेडशॉट मारने की टाइम कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत पीछे रह जाओगे। तो यहाँ पर तुम्हें मैं रिक्वेस्ट करूंगा जनरल सेंसिटिविटी को 100 पे सेट जरूर करके रखना। इससे होगा क्या, तुम यहाँ पर अच्छा खासा हेडशॉट भी ले सकते हो, थोड़ा बहुत ड्रैग करोगे बस यहाँ पर एम अपने आप कनेक्ट हो जाएगा। बस इसके लिए तुम्हें थोड़ा बहुत प्रैक्टिस की भी जरूरत पड़ेगा, ऐसा नहीं कि ये सेंसिटिविटी सेटिंग को सेट करने के बाद तुम एकदम से हैकर बन जाओगे। देखो हैकर बनाया नहीं जाता है, बनना पड़ता है भाई। अगर तुम ये सेंसिटिविटी सेटिंग के साथ थोड़ा बहुत भी प्रैक्टिस कर लेते हो तो तुम्हें भी पता चल
जाएगा कि ये सेंसिटिविटी सेटिंग कितना ज्यादा पावरफुल है। और हाँ, एक सेकेंड यहाँ पर ये सेंसिटिविटी सेटिंग को यूज करने के बाद तुम्हारा हेडशॉट कितना परसेंट लग रहा है नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और अगर तुमने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो भाई क्या कर रहे हो, फटक से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके रखना मत भूलना और अपने फ्रेंड के साथ वीडियो को जरूर से जरूर शेयर करना। तो गाइस चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।